कर्नाटक ट्रिप के इस वीडियो में हम हम्पी के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यानी कि फोर्ट एरिया और उसके आसपास स्थित सभी जगह घूमेंगे और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आप सभी से शेयर करूंगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टूर के शौकीन पर। ट्रिप के प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको नाश्ता करने की सुंदर लोकेशन नहीं दिखाई है, तो वह जगह स्थित है वीरूपक्षा टेम्पल के ठीक सामने, जिसका नाम है होटल स्वागत, जहां आप मंदिर का सुंदर व्यू देखते हुए नाश्ते का लुत्फ उठा सकते हैं, जहां आपको मिल जाता है पूरी, सब्जी, मसाला डोसा, इडली, सांभर। कितने कितने बजे तक खुला रहता है? सुबह मॉर्निंग में 7 to 11 और इवनिंग में? इवनिंग नहीं रहता, सिर्फ मॉर्निंग में अलाउड नहीं आता इवनिंग करने का। नाश्ता करने के बाद निकल चलिए अपने पहले लोकेशन की तरफ, जो कि हेमाकुटा हिल पॉइंट पर स्थित है। लोकेशन आपको दिखाता हूँ। वीरूपक्ष मंदिर से लगे हुए हेमकुटा हिल का सुंदर नजारा देखते हुए आप पहुंच जाते हैं कदले कालू गणेश जी के मंदिर, जो कि है वीरूपक्ष मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस पर। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ शिलालेख, चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं। यहाँ गणेश जी की विशाल प्रतिमा 15 फीट ऊंची है। इसे एक ही विशाल शिला खंड से तराश कर बनाया गया है। गणेश जी के पेट को इस तरह तराशा गया है कि यह बंगाल के चने, स्थानीय भाषा में कदले कालू जैसा दिखता है। इस कारण प्रतिमा को कदले कालू गणेश का नाम दिया गया है। यह हम्पी के बड़े मूर्तियों में से एक है। गणेश जी के दर्शन के बाद आपको सीधे चलना है और बाईं ओर मुड़ जाना है, जो रास्ता आपको सीधे फोल्ट एरिया में ले जाएगा। जैसे ही आप 250 मीटर चलते हैं, आपको मिल जाता है कृष्ण जी का मंदिर। आप यहां आधे घंटे में आसानी से घूम सकते हैं। वापसी में दर्शन करने की सोचकर हमने यह मंदिर परिसर स्कीप किया। आप पहले भी यह मंदिर घूम सकते हैं। कृष्ण मंदिर परिसर जैसे ही आप क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, आपको राइट साइड में देखने को मिलते हैं उग्र नरसिम्हा और बर्ड विलिंग टेम्पल। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, जो कि उग्र नरसिम्हा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पद्मासन अवस्था में स्थित भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नरसिम्हा अवतार की यह प्रतिमा 6.7 मीटर ऊंची एक ही शिलाखंड से निर्मित है। वहीं माता लक्ष्मी की प्रतिमा पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। माता का केवल दाहिना हाथ प्रभु नरसिम्हा के पीछे की तरफ है, जो सामने से नहीं दिख पाता। उग्र नरसिम्हा मंदिर के बगल में ही स्थित है बर्ड विलिंग शिव मंदिर। यहाँ का शिवलिंग 3 मीटर ऊंचा है और एक ही शिलाखंड से निर्मित है। स्थानीय तौर पर यह कहा जाता है कि इसका निर्माण एक निर्धन अर्थात बड़वी स्त्री द्वारा कराया गया था। अगर आप लिंग का अभिषेक देखना चाहते हैं, तो सुबह 7:30 तक यहाँ पहुँच जाएं। यहाँ से निकलकर उसी मार्ग पर 1400 मीटर आगे बढ़ने पर आपको लेफ्ट टर्न पर दिखता है
अंडरग्राउंड शिव मंदिर। पर उससे पहले उसी रास्ते में आप तीन मंदिर, चंडिकेश्वरी मंदिर, अंजनेय मंदिर और वीरभद्र स्वामी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। इसका नाम है भूमि स्तर शिव मंदिर। भूमि स्तर शिव मंदिर का नाम इसलिए पड़ा है लग रहा है क्योंकि ये है भूमि स्थल के नीचे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे थोड़ा आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है भूमि स्तर शिव मंदिर। बाकी जगहों से यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही यहाँ ठंडा लग रहा है, यहाँ के पत्थरों के कारण। यहाँ जो नीचे मंदिर है, यहाँ पूरा नीचे पानी भरा हुआ है, तो आगे पूरा शिवलिंग भी यहाँ दिख नहीं रहा है, आगे नहीं जा सकते। हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ का पानी बहुत ही गंदा था जिसके कारण हम लोग आगे नहीं जा पाए। अगर आप लोग यहाँ पहुँचते हैं और पानी साफ रहता है तो आप लोग आगे भी जा सकते हैं। अभी मैं वहाँ पे था, वहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा था, इधर एक जाने का रास्ता है, यहाँ देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे भी कुछ है, समझ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है कि ये शिवलिंग ही है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक बार जरूर आइएगा यहाँ। तो अब यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह, देखते हैं अगला लोकेशन कौन सा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं और इसके बाद हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। अंडरग्राउंड शिव मंदिर या फिर कहें प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर यहाँ से 850 मीटर की दूरी पर स्थित है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एरिया। अभी जो हम इस जगह पर खड़े हैं ये है रिंग्स एरिया। रिंग्स एरिया में जो यहाँ पे एक म्यूजियम भी है और इस म्यूजियम के सामने आपको कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें मिल जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स। वहाँ से अपन आया है सीधा सीधा और लास्ट में आके जहाँ रोड नहीं मिलेगा वहाँ से आपको दो रोड कटी रहेगी, एक लेफ्ट एक राइट, तो आपको जाना है लेफ्ट की तरफ। और आपको अगर फ्रेश होना है तो यहाँ वॉशरूम है लेफ्ट की तरफ। यहाँ जाने से पहले आपको टिकट कटाना पड़ेगा, चलिए देखते हैं टिकट का प्राइस क्या क्या है। 240 पर हेड 40 रुपए टिकट का प्राइस है और आपको यह टिकट संभाल कर रखनी होती है क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित विठला टेम्पल पर भी इसी टिकट में एंट्री मिल जाती है। जगह तो बहुत खूबसूरत है, अभी मौसम थोड़ा ठंडा है बोल के मज़ा आ रहा है, लेकिन गर्मी के दिन में आओगे यहाँ तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है आपको क्योंकि पूरा एरिया खुला हुआ है। ये जो एरिया है ये चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है और वहाँ आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि वो टावर टाइप का है बाहर नज़र रखने के लिए। इधर से आए हैं, वह है रानी महल का अधिष्ठान, ये क्या है मैं आपको आके बताऊंगा। अभी चलते हैं इस तरफ। पार्श्वनाथ मंदिर, श्रृंगारित बुलंद दरवाजा और रंगा मंदिर। रंगा मंदिर इस तरफ है, बाकी उस तरफ सीधे है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या है। यह हाथियों का अस्तबल है जहाँ शाही हाथियों को रखा जाता था। यहाँ 11 कमरे हैं जो कि बहुत ही बड़े हैं। यहाँ से जाने का
दिख रहा है रास्ता। यह स्थान मुगल हमले के दौरान हम्पी के बहुत ही कम क्षतिग्रस्त हुए संरचनाओं में से एक है। इस जगह को दिखा दिया, देखते हैं ये वाला कौन सा एरिया है, यहाँ पे क्या है। ये देखिए, नागिन। तो ऐसे ही यहाँ बहुत सारे मूर्तियां रखी हुई हैं। उस तरफ ताला लगा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां हैं। ठीक है, हाँ ये आप एक बार सब जगह को आप देख सकते हैं, देखने लायक है किस तरीके से यहाँ हंटर शिकारिन लड़कियाँ हैं शिकार करती हुई। गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की मूर्ति है, नागिन है, ये है गरुड़ा। रंगनाथ, ज़्यादातर नागिन, गणेश जी, गरुड़ा को यहाँ पे दिखेंगी मूर्तियाँ। ठीक है, उस तरफ से आए थे, यहाँ तक का भी है, यहाँ से आप एग्ज़िट हो सकते हैं, उस तरफ सीधे है। तो चले चलते हैं आगे। लगभग 250 मीटर चलने के बाद आप इस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। लगभग सभी मंदिर के अंदर कोई भी मूर्तियां नहीं हैं, आप बस आके बाहर का जो उनका रूप है वो देख सकते हैं। ये आगे देखते हैं, तो बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ एक गार्ड बैठे हुए हैं। तो गार्ड सर ने हमें बताया कि यहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ हैं उन सभी को कमलापुर के म्यूज़ियम में रखा गया है। तो रंगा मंदिर जो है अभी वहाँ हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह घूमना है अपने को। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं जाके। अब चलते हैं सीधा, बाहर निकलते टाइम देखते हैं कमल महल और फिर सीधा दूसरे स्पॉट पर जाएंगे। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कमल महल, इसका दिखाता हूँ आपको व्यू चारों तरफ से कैसा है। तो ये है ऐसा व्यू, और यहाँ पे एक कुआं है। जो कमल महल है इसके ऊपर तरफ रानी के रुकने का कुछ जगह जाने का रास्ता बना हुआ है, वहाँ से रानियाँ चारों तरफ का व्यू देख सकती थी। और व्यू कैसा है, किला बनाया गया है जिसके चारों तरफ ऐसे आपको दिखेंगे वॉच टावर। इस महल का नाम कमल महल इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी मेहराबदार राह कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह बनी हुई है। लोटस महल वाले टिकट काउंटर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है हजार राम मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो रामायण में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती अपनी अद्भुत नक्काशीदार मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एंट्री के तीन दरवाजे दिख रहे हैं, एक इस तरफ से हम लोग आए हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ, लेफ्ट राइट और फ्रंट से तीन एरिया से जाने का रास्ता दिख रहा है। और एक छोटे छोटे भी दरवाजे दिख रहे हैं जो कि ये दिख रहे हैं।
और एक उस तरफ भी है, लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ से मेन जो मुख्य मंदिर का गर्भगृह है वो लॉक है। ये बहुत ही सुंदर काले पत्थर से बना हुआ है। ये है राइट साइड के दरवाजे से व्यू। पूरे एरिया कवर करने हैं इसलिए हम लोगों ने गाइड नहीं लिया, लेकिन अगर आप लोग यहाँ आके कुछ जानना चाहते हैं मंदिरों के बारे में तो एक यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज जो गाइड होते हैं आप उनको यहाँ ले सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 2200। और यहाँ के जो पूरे एरिया हैं रिंग्स एरिया के हम्पी के, वो कवर करके आपको देंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे। हजार राम मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है शाही कक्ष, जो कि बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। इस तरफ से हम लोग आए हैं और ये है दीवान ए आजम भूमि स्तर कमरा, हजार राम मंदिर तरफ से आए हैं। और यहाँ है राजा का जनता दरबार कक्ष। ये है राजा का जनता दरबार कक्ष, बहुत ही बड़ा दिख रहा है एरिया। वहाँ पे कुछ दिख रहा है, बाद में देखेंगे जाके क्या है। ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे चढ़ के ऊपर, बहुत ही बड़ा आसन टाइप का दिख रहा है, राजा शायद बैठते होंगे। वहाँ कुछ जगह दिख रहा है बैठने का और यहाँ पे कुछ सभा होती होगी। मैं सिर्फ आपको एक अनुमान लगा के बता रहा हूँ जगह के बारे में, बाकी आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से गवर्नमेंट की गाइड ले सकते हैं। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे पहले जमाने का गुप्त कक्ष कैसे होता था। वीर तुम बड़े, चलो भाई रुको जरा, ऑक्सीजन है कि नहीं। थोड़ा सा टॉर्च जला लेता हूँ मैं, आप लोगों को दिखे। अरे हम आ चुके हैं गुप्त कक्ष के नीचे, हम नीचे से आपको दिखाएंगे ऊपर। आप लोग इधर से कैसे निकले? इस तरफ से भी रास्ता है क्या? तो इधर से है, मैं इधर से निकलता हूँ। तो ऊपर से कुछ गुप्त कक्ष इस तरीके का दिखता है, वहां से हम लोग निकले थे। ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है, यहाँ आपको आना ही है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़े पास से। यहाँ से पानी आता होगा और दोनों तरफ से आके यहाँ जॉइंट होता है एरिया, और यहाँ से ऐसे लग रहा है कि पानी जाता होगा नीचे की तरफ।
अब मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाता हूँ जहाँ से आपको इस पूरे शाही कक्ष एरिया का नज़ारा देखने को मिलता है, जिसका नाम है महानवमी दिब्बा। अगर इस जगह आप आते हैं तो यहाँ से आपको जो व्यू देखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल से यहाँ कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से ऊपर चढ़ते ही आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में जो लोटस महल हम लोग घूम के आए हैं वाला एरिया दिखेगा, ठीक है। वहाँ के बाद आपको यहाँ पर जो अभी देख के आए हैं दरबार वाला एरिया वो दिखता है। उसके इस तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आगे जाने के बाद पुष्करणी भी दिखेगा, और जितना भी आपको पत्थर वाला पहाड़ वाला व्यू है सब यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर व्यू है। तो ये था फ्रेंड्स फोर्ट और उसके आसपास का एरिया, जिसे आप एक दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।